इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल आप दुबई में काम कर रहे हो एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, वो मल्टीनेशनल कंपनी पूरी दुनिया में उसके ऑफिसेज हैं हर जगह, और अब आपको कनाडा ट्रांसफर होना है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा में वो स्किल्स या शॉर्टेज है लेबर की, मतलब वो लेबर, वो प्रोफेशन, वो नॉलेज उस जगह पे नहीं है कनाडा के अंदर जो दुबई में एक बंदा अवेलेबल है। तो दुबई से बंदा इंट्रा कंपनी ट्रांसफर करके सेम कंपनी के अंदर कनाडा आता है। फॉर एग्जाम्पल ये ज्यादातर किन प्रोफेशंस में होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस में होता है, मेडिकल हेल्थ केयर के अंदर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्जन्स, भाई दुबई के अंदर वो सर्जन अवेलेबल है बट वो सर्जन कनाडा के अंदर नहीं है। आईटी कंसल्टिंग प्रोफेशंस जो होते हैं, इवन मैंने बहुत ज्यादा प्योर एग्जांपल देखा है एक ऑडिटर का, जो ऑडिटर के स्पेशलाइज मैनेजर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, लोगों ने डिफरेंट इंडस्ट्री में काम किया होता है, वो भी इंट्रा कंपनी ट्रांसफर लेते हैं। और ये मेरे आंखों देखा हाल है कि एक बंदा मिडिल ईस्ट दुबई से पाकिस्तानी, मिडिल ईस्ट दुबई से कैनेडा ट्रांसफर हो रहा है विद इन कंपनी टू कंपनी। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ही पॉसिबल है। अब मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर पॉसिबल है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई कि एक कंपनी जो दुबई में भी एग्जिस्ट करती है कनाडा के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, और ये कनाडा में एक्सेप्टेबल है, होता है और बहुत होता है, आप लोगों को पता भी नहीं है। इवन मेरे पास लिंक्डइन पे भी दो तीन लोग थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि शजी हमारा इस तरह का है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपको ये हो जाएगा। बट अब IRCC ने उनके ऊपर थोड़ी सी पॉलिसीज चेंज की है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस की है, बट स्ट्रिक्टनेस ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत ईजी प्रोसेस है। आपकी कंपनी अगर अप्लाई करती है आपके लिए, फॉर एग्जांपल कैनेडियन बेस्ड कंपनी है, एक MNC कंपनी है, लेट्स सपोज डिलॉयट, ठीक है, डिलॉयट एक कंपनी है जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए उसको बंदा चाहिए फॉरेंसिक ऑडिट के लिए, तो वो दुबई वाले बंदों को अप्रोच करेगी, दुबई के अंदर वो लेबर अवेलेबल है, उनको बोलेगी आओ भाई कैनेडा के अंदर काम करो, यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट के बंदे ही नहीं है, हमें मिल ही नहीं रहे। तो कंपनी सब कुछ अरेंज करेगी, जॉब ऑफर, सैलरीज, वर्क परमिट, कैनेडा की IRCC सब कुछ बात करना। बट IRCC को ये बता दिया गया है कि भाई आपको दो चीजें जरूर करनी है जब आप ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर का वर्क परमिट अलाउ करोगे। पहली चीज कि वो बंदे के पास कोई स्पेशलाइज नॉलेज हो, फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक ऑडिट का बंदा हर जगह अवेलेबल नहीं होता। दूसरी चीज कि कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर हो, पहले भी यही होता था, फॉर एग्जाम्पल डिलॉयट कैनेडा हो, फॉर एग्जाम्पल डिलॉयट दुबई हो और डिलॉयट कैनेडा हो, मतलब डिलॉयट से डिलॉयट ही आ रहा हो, कंट्री भले चेंज हो रहा हो। अच्छा अब ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये पूरी दुनिया में होता है, लग्जमबर्ग बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं इसी तरह, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते हैं डेनमार्क जाते हैं, बुडापेस्ट हंगरी जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ये पॉसिबल है, कनाडा के अंदर ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोग करते हैं, बट इसके लिए एक स्पेशलाइज बंदा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस काफी एक्सटेंसिव होना चाहिए 5-10 साल का। अगर आपके पास है तो आप लोग ये अप्रोच जो है वो कर सकते हो, लिंक्डइन पे अपनी कनाडा के अंदर जो अगर आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है उनसे कोऑर्डिनेट करो, उनके सीनियर से बात करो और लिंक्डइन में मुझे जरूर कनेक्ट, और मेक श्योर करो यार कि ये जो वीडियो है वो काफी लोगों तक पहुंचाओ अगर आपके जानने वाले हैं जो कि इंटरेस्टेड है, एंड स्टिल इट इज एक्सेप्टेबल, और ये सारा सब कुछ कंपनी करती है तो आपका कोई एक रुपया भी नहीं लगता।